और उधर चीन में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों की वजह से हालात अब बहुत ज्यादा वहां पर खराब हो चुके हैं। बताया ये भी जा रहा है कि वहां अस्पतालों में अब मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड भी नहीं बचे, जिसकी वजह से लोगों का सड़क पर ही इलाज किया जा रहा है। वहां से सामने आए एक वीडियो को देखकर हालात कितने खराब हो गए हैं इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कई मरीज कड़ाके की ठंड के बावजूद सड़क पर बेबस होकर अपना इलाज कराते हुए दिखाई दिए। सड़क पर ही मरीजों को ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाई जा रही हैं। टेरर फंडिंग मामले में NIA ने जम्मू कश्मीर में बड़ी कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने करीब 17 जगहों पर एक साथ छापे मारे, जिनमें जम्मू में एक जबकि श्रीनगर में करीब 16 संदिग्ध लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। बताया गया कि पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ आतंक फैलाने और आतंकी संगठनों से जुड़े होने के आरोप में ये कार्रवाई हुई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व MD और CEO चित्रा रामकृष्ण को फोन टैपिंग मामले में दिल्ली की अदालत ने जमानत दे दी। हालांकि ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जमानत के बाद भी वो जेल में ही रहेंगी, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। NSE की पूर्व CEO चित्रा रामकृष्ण पर आरोप है कि उन्होंने हिमालय के किसी योगी के इशारे पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े कई फैसले लिए। एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर भारत में कोहरे का कहर भी लगातार जारी है और जिसकी वजह से 48 ट्रेनों की रफ्तार अब थम चुकी है। रेलवे की माने तो 25 दिसंबर से 24 जनवरी तक अलग अलग रूट की 48 ट्रेनें ऐसी हैं जिन्हें रद्द कर दिया गया है। दिल्ली में ठंड और घने कोहरे को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। ये अलर्ट 26 दिसंबर तक जारी रहेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से राजधानी के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा जिससे विजिबिलिटी कम हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी इसी तरह के हालात रहेंगे, जिसकी वजह से येलो अलर्ट जारी किया गया। इधर उत्तर प्रदेश के औरैया से एक हथियार लहराता वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग हथियार लहराते हुए एक शादी समारोह में नाचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वीडियो में हथियार लेकर डांस करते लोगों के खिलाफ अजीतमल थाने में केस दर्ज कर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। दावा है कि 29 नवंबर को एक शादी समारोह के दौरान वृंदावन गेस्ट हाउस में कुछ लोगों ने हथियार लहराते हुए डांस किया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। उधर उत्तर कोरिया ने रूस को बड़ी मात्रा में हथियार देने के आरोपों को गलत ठहरा दिया। अमेरिका की तरफ से उत्तर कोरिया पर यह आरोप लगाया गया था कि वो जंग में रूस को हथियार देकर पुतिन की मदद कर रहा है और यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की फौज की ताकत बढ़ाने में जुटा है, जिसे उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने सिरे से खारिज कर दिया और ये कहा कि उसने बीते दिनों में रूस को कोई हथियार नहीं दिया है। साथ ही उत्तर कोरिया ने इसे उसके खिलाफ साजिश करार दिया। अमेरिका के मुताबिक पिछले महीने उत्तर कोरिया ने ट्रेन के जरिए रूस की मदद के लिए हथियार भेजे थे, जिनमें बड़ी मात्रा में गोला बारूद, कई घातक मिसाइलें और रॉकेट शामिल बताए गए, जिनके जल्द ही यूक्रेन में तबाही मचाने की संभावना भी जताई गई। अमेरिका ने आरोप लगाया कि उत्तर कोरिया ने हथियार वैगनर ग्रुप को भेजे, जिसे पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है।